प्यारे बच्चों, ये है आपकी हिंदी की पुस्तक परिवेश। तो आज हम हिंदी की दोहराई करेंगे, थोड़ा हिंदी के बारे में जानेंगे। आपका पृष्ठ नंबर 10, जो पहला पृष्ठ आपको पढ़ना है, पृष्ठ मतलब पेज, जो पहला पेज आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नन्हा बचपन। क्या लिखा है? नन्हा बचपन। नन्हा मीन्स छोटा, बचपन आप लोग बच्चे हैं तो आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आपका बचपन जो है आपको क्या पसंद है, छोटे बच्चों को क्या क्या चीजें पसंद है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको कहाँ घूमना पसंद है। सब घूमने जाते हैं ना अपने मम्मी पापा के साथ, तो आप लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं? ठीक है, आजकल घूमने नहीं जा पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन पहले तो सब घूमने जाते थे, है ना। तो कहाँ कहाँ घूमना पसंद है आपको? आप लोगों को पहाड़ों पर घूमना पसंद है, पहाड़ों पर जाते हैं, समुद्र तट पर जाते हैं, है ना, पिकनिक करने के लिए मम्मी पापा के साथ पार्क में जाते हैं, और आप म्यूजियम देखने जाते हैं, आप जू देखने जाते हैं। इस तरह आप बहुत अलग अलग जगह घूमना पसंद करते हैं। आप अपने रिश्तेदारों के घर, दादा दादी के घर, नाना नानी के घर, अंकल आंटी के घर घूमना जाना पसंद करते हैं, है ना। लेकिन मुझे पता है सबसे ज्यादा बच्चों को क्या पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद होता है उनको पार्क में खेलना, अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलना। शाम को सब बाहर भागते हैं कि मम्मी हमें अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है ना। तो जो ये बचपन में आपका जो पार्क में खेलना है, यही इस चित्र में यहाँ पर दर्शाया गया है, यही सब कुछ यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर एक ये पार्क का चित्र है, और अब हम इसके बारे में थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या नजर आ रहा है पार्क में। पार्क में बहुत सारे पेड़ होते हैं, हरे भरे होते हैं ना, बड़े बड़े पेड़। यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है ना। और पार्क में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आपस में खेलते हैं मिलजुल कर, ठीक है। यहाँ पर ये लड़का नजर आ रहा है जो पतंग उड़ा रहा है, ये लड़की गुब्बारे के साथ खेल रही है। इन बच्चों के साथ एक छोटा सा कुत्ता भी आया है, इनके यहाँ पर एक पपी है, एक डॉग है जिसके साथ वो खेल रहे हैं, वो भी उनके साथ मस्ती कर रहा है। पार्क में हरी हरी घास है, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, फूलों पर तितली मंडरा रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं। ये देखिए, ये दो पक्षी बने हैं, बर्ड्स बने हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बच्चे गुब्बारों के साथ खेल रहे हैं, ये बच्चा यहाँ पर गेंद के साथ खेल रहा है, ये दो बच्चे यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, है ना। यही सब चीजें आपको नजर आती हैं पार्क में। अब आपको यहाँ क्या करना है कि आपको इस चित्र के अंदर जो जो स्वर दिखाई दे रहे हैं आपको उनको गोला लगाना है। स्वर क्या होते हैं? बचपन में आपने किया है, LKG UKG में आप सीख कर आए हैं स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं अ आ इ ई उ ऊ ओ औ, है ना, यही सब होते हैं, अन अह, यही सब स्वर होते हैं ना, आपने किया है। तो यहाँ पर इस चित्र में जहां जहां आपको स्वर नजर आ रहे हैं उनको आप गोला लगाएंगे। जैसे मैंने किया है, देखिए यहाँ पर पतंग पर लिखा है उ, तो मैंने उ को गोला लगा दिया है। यहाँ इस गुब्बारे पर लिखा है अ, इसको भी मैंने गोला लगाया है। गोला लगाना मतलब सर्कल करना। इस गुब्बारे के ऊपर ई लिखा है, तो मैंने ई को भी गोला लगाया है। इस गुब्बारे के ऊपर लिखा है ओ, इसको भी मैंने गोला लगाया है। और यहाँ पर लिखा है, इस गेंद के ऊपर लिखा है ए, तो मैंने इसको भी एक गोला लगाया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले पृष्ठ पर हमारे पास एक कहानी है, कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों में कहानी छिपी है। तो आपको बहुत ध्यान से ये चित्र देखना है, बड़ी मजेदार कहानी है, ध्यान से देखिए और मेरे साथ इस कहानी को समझिए कि इस कहानी में क्या लिखा है। पहला चित्र देखिए ध्यान से, पहले चित्र में क्या दिखाया गया है? यहाँ पर एक कछुआ है। क्या है ये? कछुआ, टोर्टोइस। ये कछुआ है जो कि अपनी पीठ के बल उल्टा गिरा हुआ है ना, आप देख रहे हैं ये उल्टा गिरा हुआ है, पीठ के बल हो गया है, और बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है पर वो सीधा नहीं हो पा रहा है। तो उसको इस परेशानी में देखकर वहां पर एक गिलहरी आती है, और गिलहरी उसको देखकर समझती है कि हाँ वो परेशान हो रहा है, तो वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है। तो वो खूब जोर लगाती है, अगले चित्र में देखिए, जोर लगाने की कोशिश कर रही है, उसको सीधा करने की कोशिश कर रही है, पर बहुत जोर लगाने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाती। आगे देखिए, अब क्या होता है अगले चित्र में,
गिलहरी के साथ एक चूहा भी वहां आता है कछुए की मदद के लिए। तो वो दोनों कोशिश करके कछुए को सीधा करने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं कर पाते हैं। अगले चित्र में देखिए, अब बहुत सारे जानवर आ चुके हैं यहाँ पर मदद के लिए। चूहा है, मेंढक है, बत्तख है, गिलहरी है, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, पर पूरा जोर लगाने के बावजूद वो उस कछुए को सीधा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब वो क्या करेंगे, उन लोगों को एक उपाय सूझता है। अब उनको समझ आ जाता है कि जोर लगाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको एक उपाय सूझता है, एक आइडिया लगाते हैं। क्या आइडिया लेते हैं वो एक लंबी सी रस्सी लेकर आते हैं, जिसके साथ उस कछुए को बांधते हैं और सब मिलकर उस रस्सी को पानी में खींचते हैं। जब इस तरह से वो पानी में रस्सी को खींचते हैं तो उसके साथ खींचकर कछुआ आता है और वो पानी में सीधा गिरता है, सीधा हो जाता है पानी में। अगली चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ सीधा कछुआ है जो बहुत खुश होकर पानी में तैर रहा है, उसकी पीठ पर मेंढक बैठा है, ये भी बहुत खुश है, दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं और दोनों मस्ती करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस कहानी से क्या सीखा, आपने सीखा कि हमारी बुद्धि जो है वो हमारी ताकत से बड़ी होती है। कई बार ताकत, सब लोग कहते हैं मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है, लेकिन वो ताकत कई बार बिल्कुल मायने नहीं रखती है। कई बार आपकी सिर्फ बुद्धि, आपकी सोच जो है वो आपको बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकलवा देती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ देती है ना। और दूसरा आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से सभी जानवर मिलकर कछुए की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या सीख मिलती है कि जैसे जानवर मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, हमें भी तो मिलजुल कर रहना चाहिए और ऐसे ही एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सबको अच्छे से फ्रेंड्स बनकर रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए, है ना। चलिए, इस अच्छी सी कहानी के साथ, इस अच्छी सी सीख के साथ अभी आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और हम अगली क्लास में सीखेंगे स्वर और व्यंजन।